गुड आफ्टरनून दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों। वैसे आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा मुझे देख के आज पहली बार ये चश्मे में, बता दूं ये कोई पावर चश्मा नहीं है, मेरे आँख बिल्कुल भी ठीक है। वो एक्चुअली गाड़ी में जा रहे हैं ना हम, धूल मूल उड़ रहे हैं कि नहीं वो प्रोटेक्शन के लिए मैंने पहन लिया। पहले थोड़ा सीनरी देखिए, नज़ारा कैसा लग रहा है, बढ़िया है? हाँ, नज़ारा तो बढ़िया है भाई। ये नज़ारे देखते हुए हम कहाँ जा रहे हैं पता है दोस्तों? हम जा रहे हैं हरी भाई के काम है इसलिए निकलना पड़ा, आज गुड मॉर्निंग से स्टार्ट नहीं कर पाए, एक तो सुबह से बहुत सारा काम था। हाँ। ऊपर से आज क्या है भाई, एक परीक्षा देने के लिए थोड़ा फॉर्म फिलअप भरने जाना है दोस्तों। एक स्कूल में जाना है, इनके बेटी को एग्जाम देना है 5th क्लास के लिए, तो वो फॉर्म फिलअप किए हैं। तो स्कूल में एडमिशन के लिए फॉर्म एग्जाम होता है ना। हाँ। वो पास हो जाएगा, अच्छे मार्क्स से अगर पास हो जाती है तो एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे, वो मॉडल स्कूल बोलते हैं उसको। तो उसके लिए हम एक दूर प्लेस जा रहे हैं, हम अपने शहर से एक पड़ोस वाले शहर में जा रहे हैं। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 60 किलोमीटर होगा। 60 किलोमीटर नहीं, इतना नहीं होगा, मुझे लगता है एक मान के चलिए एक 40 किलोमीटर होगा, 40 के अंदर होगा। तो जाते वक्त आपको दिखाते दिखाते ब्लॉग करते हुए जाएंगे। आज थोड़ा अलग लगेगा, हमेशा घर से स्टार्ट करते थे ना, आज बाहर से सीनरी के साथ से। देखो अच्छा लग रहा है, बढ़िया तो लग रहा है भाई। तो इसी खुशी में एक सेल्फी हो जाए क्या? सेल्फी ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे आपसे। हाँ, और क्या क्या हमारे साथ होता है, क्या क्या कहाँ पे रुकते हैं, कुछ चाय वाय पियेंगे तो वहाँ पे भी दिखाएंगे आपको। हाँ, ठीक है चलो चलते हैं, जर्नी कंटिन्यू करते हैं। रोड क्रॉस करना होगा भाई, देख के थोड़ा हाईवे रोड है ना, देखिए बीच रोड में हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। अरे वाह, जहाँ भी जाते हैं मस्त नज़ारे दिख जाते हैं जहाँ भी। तो पीछे की तरफ देखो फिर से बढ़िया नज़ारे। हमारा इलाका पहाड़ी जंगल वाला इलाका है ना, पहाड़ी इलाका, बहुत सारे पहाड़। और पीछे की तरफ दिखाऊं? दिखा दो थोड़ा। ये तो मेरा गाड़ी है, और वो देखिए स्कूल, वो छोटा सा नहीं है, वहाँ से लंबा होके पूरा बड़ा स्कूल है, वो बड़ा एरिया में कवर करके है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम गए थे, फॉर्म दिया था, लेकिन फिर से मोए मोए हो गया दोस्तों हरी भाई के साथ और मतलब हमारे साथ भाई इतने मुश्किल से 40 किलोमीटर बाइक पे बैठ के रगड़ रगड़ के मेरा भी हाथ दर्द हो गया आए। लेकिन पता है क्या हुआ, स्कूल था ये लेकिन फॉर्म मिल गया था किसी और स्कूल के वो है किसी और शहर में वो दुकानदार ने फॉर्म अलग चिपका दिया, गलत फॉर्म चिपका दिया सुबह से हम टेंशन में हो रहे, हेडमास्टर का सिग्नेचर कहाँ होगा, स्कूल का सिग्नेचर कहाँ होगा, वहाँ पे कुछ भाई स्कूल भी गए थे, स्कूल में टीचर वगैरह ने मना कर दिया, यह तो चीज कुछ नहीं है सील सिग्नेचर के लिए। मैंने भी देखा हाँ ये नहीं है, शायद होगा। फिर यहाँ आके पता चलता है भाई ये तो फॉर्म ही गलत है। फिर यहाँ पे फिर से सही फॉर्म हमको दिया उन्होंने और बोला कि 31 जनवरी ना लास्ट डेट है एग्जाम के लिए, मतलब जो फॉर्म डाला जाता है एक्सेप्ट का, इसलिए 31 जनवरी के बीच में ही या फिर मंडे तक आ जाओ ऐसे बोल रहे हैं। तो सोच रहे हैं क्या करेंगे, अभी मंडे को ही आना पड़ेगा, अब इतना दूर आ ही गए हैं तो थोड़ा नज़ारे का मज़ा लेते हुए जाएंगे। रास्ते में चाय वगैरह कॉफ़ी समोसे वगैरह खा पी के जाएंगे भाई अभी थोड़ा सर को थोड़ा ठंडा पहुंचा दोस्तों, थोड़ा दूर जाएंगे, थोड़ा चाय मार के जाएंगे। हाँ तो दोस्तों फाइनली वहां से तो आ गए, एक जगह पर बैठे हैं, ये है सुनावड़ा बस स्टैंड। यहाँ पर वहाँ पर देखिए एक दुकान है, मतलब कैफे टाइप का टी स्टॉल, वहाँ से चाय लेके आए हैं साथ में चटनी और कुछ खाने के लिए। क्या है भैया सर दिखाएंगे? देखेंगे दोस्तों, देखो दोस्तों क्या है अंदर। अरे वाह तो समोसे हैं, और वो क्या है नया चीज है ये क्या है दोस्तों मुझे भी पता नहीं, ये पहली बार लेके आए हैं। और साथ में देखो दोस्तों क्या है, ये चटनी देख के मुंह में पानी आ गया खट्टा है क्या? खट्टा नहीं है, कितना स्वादिष्ट है देखो, बिना खाई तुमको पता लग गया स्वादिष्ट है पहले खोलो तो सही, कलर देख के मालूम पड़ता नहीं है। अच्छा कलर देख के मालूम पड़ गया, यहाँ का चाय ना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बार पिया है ना मैंने भी। मजेदार चाय, नंबर वन चाय भाई, अदरक लहसुन मसाला लाल मिर्च सब इसमें डाला है, गरम मसाला चिकन मसाला मटन मसाला सब डाला है इसमें। देखो दोस्तों खीर का शोर देखो कैसा, मलाई मार के चाय पी रहे हैं भाई हम इतना मोटा
दूध में बना है ना, दूध में बना है और टेस्ट भी है, काफी टेस्टी है ये। इसलिए मैं जब भी अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ ना इस शहर से, यहाँ पे एक चाय पी के ही जाता हूँ मैं। मैं भी दोस्तों ये दुकान नहीं देखा था, मैंने नहीं दिखाया, संतुल भाई ने इस दुकान में दिखाया, तो मैं भी कभी कभी यहाँ गुजरता हूँ तो या एक बार तो लत लग गई, लत लगने के बाद ये नहीं छोटे छोटे की फिर। बढ़िया है दोस्तों चाय, चाय पीते पीते थोड़ा ये टेस्ट करेंगे। हाँ टेस्ट करो भाई, देखो कैसा लगता है। चटनी डूबो के टेस्ट कर रहा हूँ मैं। है ना बढ़िया है ये भी, ये देखता हूँ क्या है, ये क्या है भाई पता नहीं मुझे भी, डाल जैसा लग रहा है ना, खा के देखो क्या लग रहा है। बढ़िया, अब मुंह में ले लो। वाह 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 वाह, क्या खाते हो भाई तुम, तुम्हें देख खाते हुए देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है जोरदार। चाय तो मान गए भाई, घर में आने के बाद भी थोड़ा सा चाय चाहिए ना, क्योंकि वैसे भी दिमाग थोड़ा गर्म रहता है गाड़ी चला चला के। आजकल का ट्रैफिक भाई कह नहीं सकते, बहुत ही घटिया ट्रैफिक हो रखा है हर जगह, और तो पॉट होल्स के बारे में तो पूछो ही मत, इतने गड्ढे रास्ते भर में। अरे भाई उबड़ खाबड़ ऐसे जंप करते करते आते आते ना पूरा कमर दर्द कर जाता है भाई, गाड़ी में बैठ बैठी ऊपर से ठंड के ठंडी वाली हवाएं भी लगती है ना, इसीलिए गर्मा गर्म चाय चाहिए होता है ये सबको थोड़ा सेटराइट करने के लिए। अभी बैठे हैं, जो कल का व्लॉग है जो बनाया था हमने उसको एडिटिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हरे भाई आज भी ड्यूटी को निकल जाएंगे, वैसे बता दूं आज कैंपिंग जाने वाले से नहीं, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि पर्सनल काम पड़ गया, तो इसीलिए कल जाएंगे कैंपिंग। ठीक है, कल प्लान करेंगे कैंपिंग जाने के लिए। आज एक दूसरा व्लॉग भी बना रहे हैं, अगर कैंपिंग नहीं गए तो क्या करेंगे, व्लॉग ही बना देंगे, ऐसे सोच के बना दिया आज का। और कल का व्लॉग फिलहाल एडिटिंग कर रहा हूँ, रात के अभी कितने, अभी 7 बज रहे हैं, 8 बजे तक अपलोड कर देंगे। ठीक है भैया, हाँ भैया गर्मा गर्म चाय का मजा ले लो। और जो लोग हमारे चैनल में नए हो, हमारा और दूसरे चैनल कैंपिंग शांतनु के नाम है भाई, बिल्कुल कैंपिंग विद शांतनु, वहाँ पे जाके कैंपिंग देख सकते हैं, होपफुली आपको वो भी पसंद आएगा। और बीच बीच में रिव्यू वगैरह भी करते हैं टेक के, उसके लिए एक और चैनल भी है हाईटेक शांतनु, वहाँ पे जाके टेक रिव्यूज देख सकते हैं, जितने भी एक्सेसरीज हम यूज करते हैं, कैमरा वगैरह हो या फिर कैंपिंग एक्सेसरीज, जो भी कुछ हम इस्तेमाल करते हैं आम जिंदगी में, उन सबका रिव्यू भी हम वहाँ करते आ रहे हैं, और भी आगे और भी चीजों के करेंगे एक एक चीजों के। ठीक है, गुड मॉर्निंग दोस्तों और सबको, सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत अच्छा लग रहा है आज सुबह सुबह। और हरी भाई ड्यूटी पे हैं, आने वाले हैं कुछ देर में, मैंने फोन किया था, सोच रहे हैं थोड़ा जाएंगे, परेड वेरेड हो रहा है होगा ना हमारे यहाँ पे भी, वो सब भी थोड़ा देख के आएंगे, आपको भी दिखाएंगे जो मिलता है। लेकिन सबसे पहले एक कप गर्मा गर्म चाय पी लूँगा घर में, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँगा ना, फिर उसके बाद निकलते हैं, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। होपफुली आप सबका भी दिन अच्छा जाएगा, होप करता हूँ, और ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा ये भी होप करता हूँ। देखिए दोस्तों गर्मा गर्म चाय भी रेडी, तो सिप लेता हूँ सुबह सुबह, बिना चाय के ना एक तो फ्रेश लगता नहीं, मन भी हल्का नहीं होता, हम भी हल्के नहीं होते हैं। जल्दी से ये ख़त्म करके जाना भी है, आज परेड वरेड देखेंगे ना, देर हो जाएगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, इससे पहले और देर हो जाए मैं थोड़ा हरी भाई को भी कॉल लगा लेता हूँ, कहाँ पे है क्या स्टेटस है उनको पूछते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। फाइनली तैयार हो गए और यहाँ पे देखिए खाली स्थान पूर्ण करो भाई। हेलो दोस्तों, आज पता है कि मैं इस दोस्तों याद दिला देता हूँ, मैं ऑलरेडी याद दिला चुका हूँ। तो घर में भाई तुमको याद था तो भाई इनको याद नहीं रहता। इनको कल पता चला। थोड़ा देर हो गया दोस्तों, मेरा आजकल नाइट ड्यूटी चल रहा है ना, वहाँ पे मेडिकल में ही झंडा, अच्छा वो फ्लैग होस्टिंग हो गया वहाँ पे, उधर जाएंगे ग्राउंड पे क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है, डांस वगैरह प्रोग्राम वगैरह भी होगा ना परेड के बाद भी, वो सब थोड़ा देख के आएंगे, आपको भी दिखाएंगे क्या क्या होता है, चलेंगे फिर। हाँ चलो भाई चलो। भैया ये क्या फिर से हमारे साथ मोए मोए हो गया। क्या करें दोस्तों, इतना हड़बड़ी में आए
देखा तो परेड ग्राउंड में पूरा खाली, सब कुछ खाली, मतलब परेड तो खत्म हो ही गया था, ये डांस वगैरह प्रोग्राम वगैरह ये भी खत्म हो गए थे, अभी क्या करेंगे, खाली ग्राउंड देख के ही मन को ठंड करके चले जाएंगे, अगली बार फिर कभी आएंगे ना, अगस्त 15 को आएंगे। आज क्या था भाई? आज जनवरी 26 देश स्वाधीन होता था, देश स्वाधीन हुआ था। हम स्वाधीन नहीं हुए थे भाई, वो अगस्त 15 में हुए थे। आज रिपब्लिक है, गणतंत्र दिवस है ना ये, तो इतने दूर से आ गए तो दोस्तों सब मिल के बोल देते हैं जय भारत जय हिंद जय गणतंत्र दिवस की जय। बोलो दोस्तों। अभी क्या करेंगे, आज कैंपिंग ट्रिप भी जाना है ना। हाँ दोस्तों, निकलते हैं फिर यहाँ पे रह के, क्या करेंगे, अभी खाली ग्राउंड है, आए तो परेड देखने के लिए। हाँ तो सब खत्म हो गया दोस्तों, कैंपिंग के लिए भी कुछ सामान लेके चले जाएंगे। हाँ। फिर कैंपिंग ट्रिप भागेंगे भाई आज। हाँ ऐसा ही करते हैं, प्रिपरेशन करना है बाकी। हाँ। तैयारी कुछ नहीं किया है ना। चलो मार्केटिंग करके घर को चले आए हैं, प्रिपरेशन और भी करना है, बहुत सारे पैकिंग वैकिंग, कौन सा टेंट लेंगे क्या करेंगे कैंपिंग में, ये सब थोड़ा सोचना पड़ता है ना, प्लानिंग करना पड़ता है, थोड़ा प्री प्लानिंग, वो सब तैयारियां करके निकल लेंगे कैंपिंग को थोड़ी देर में। हाँ। तब तक में और भी कुछ काम है, जो कल भी व्लॉग बनाए थे हम, उसका भी थोड़ा थोड़ा एडिटिंग करना है ना, उसको फाइनल एडिटिंग करके उसको शेड्यूल पे डाल दूंगा मैं, रात के 7 बजे ऑटोमेटिक वो पब्लिश हो जाएगा। हम तब तक कैंपिंग में वहाँ पे ही होंगे, कैंपिंग कर रहे होंगे। हाँ ऐसे ही करेंगे, देखते हैं दोस्तों क्या होता है वहाँ पे, जाके आपको अपडेट करेंगे। हाँ। अगर नहीं जानते तो कैंपिंग विद शांतनु कैंपिंग चैनल में हम कैंपिंग भी डाला करते हैं। हाँ। वहाँ पे जाके एडवेंचर देख लीजिएगा। आज तो मैं नाइट नहीं जाऊंगा। हाँ। एक्सेस कर दिया है भाई, एक्सेस कर दिया है, तो दोस्त है ना उसको कह दिया है आप। बिल्कुल नहीं, ये जो डिपार्टमेंट अभी फिलहाल है यहाँ पे एक्सचेंज हो सकता है। हाँ। बीच बीच में एक अलग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पे एक्सचेंज वगैरह नहीं होता, छुट्टी भी नहीं मिलता इसीलिए, लेकिन आज मेकअप हो जाएगा। आज मेकअप हो जाएगा भाई, ठीक है। चलो क्या होता है दिखाएंगे आपको। हाँ चलो भाई।